हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। ज्योग्राफी ऑप्शनल में हम लोग देख रहे थे इंडियन ज्योग्राफी पेपर टू, जिसमें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेजिटेशन को डिस्कस किया हुआ था। इस वेजिटेशन में हमारे एक पार्ट बचा हुआ है, दैट इज द फॉरेस्ट्री वाला पार्ट, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ छोटा सा एक डिस्कशन है वाइल्ड लाइफ को लेकर के, इसको भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस तरीके से हम लोग इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रिलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज रनिंग में मिलेगी और साथ ही साथ में ज्योग्राफी ऑप्शनल टेस्ट सीरीज। तो जिनको भी जरूरत हो अकॉर्डिंगली यू कैन सब्सक्राइब फॉर दीज टेस्ट सीरीज। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में जो फॉरेस्ट्री है आखिर वो कितने टाइप की होती है, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन देखा था, जहां पर कई लोगों ने अपना अपना क्लासिफिकेशन दिया हुआ था, जिसमें कि हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस देखे हुए थे, लाइक हाउस्टोन वगैरह देख लिया था। तो कई सारे हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस वगैरह देखे हुए थे। अब हम लोग जरा आगे बात कर लेते हैं कि आखिर में जो फॉरेस्ट्री के टाइप है वो कितने तरीके की फॉरेस्ट्री सामने निकल के आती है। उसमें से एक टाइप की फॉरेस्ट्री होती है जिसको हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री बोलते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है? जो भी सोसाइटी के द्वारा किया जाता है या फिर सोशल फील्ड पे की जाती है, तो इस तरीके की जो फॉरेस्ट्री होती है उसको हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रोड के साइड में पेड़ लगे होते हैं, ये बेसिकली क्या है? सोसाइटी के लिए है। तो दिस इज द सोशल फॉरेस्ट्री। इन फैक्ट यू हैव ऑल्सो ऑब्जर्व कि बीच में आजकल डिवाइडर पे भी पेड़ लगाए जा रहे हैं, और ये पेड़ जो लगाए जाते हैं, अगेन ये कई सारे पर्पज होते हैं इनके, लाइक एंटी ग्लेयर जो होती है, वो ग्लेयर ऑफ द लाइट जो होती है वो एक दूसरे अपोजिट लेन के बंदे को परेशान करती है। तो इस वजह से भी ये यहाँ पर जो है वो ट्रीज वगैरह, गार्डनिंग वगैरह की जाती है, ये भी सोशल फॉरेस्ट्री के ही अंतर्गत आते हैं। तो सोशल फॉरेस्ट्री की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इट इज अ फॉरेस्ट्री प्लांटेड बाय द पीपल ऑफ ए सोसाइटी। तो वही चीज है जो सोसाइटी के द्वारा की जाती है। इट हैज बीन डिफाइंड एज द फॉरेस्ट्री ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इसको हम लोग बोल देते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। इसका एक स्पेशल टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, जहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के दौरान में जो फॉरेस्ट्री की जाती है, जो सोशल फॉरेस्ट्री की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री हैज बीन एम्फसाइज्ड इन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 एंड 1988। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री इज रिड्यूस द प्रेशर ऑन ट्रेडिशनल फॉरेस्ट बाय प्लांटेशन ऑफ फ्यूल फूड फॉडर टिम्बर एंड ग्रासेस। यहां पर दो टाइप के हमारे पास सोशल फॉरेस्ट्री होती है। एक होती है जिसको एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं, जहां पर कम्युनिटी फॉरेस्ट्री भी इंक्लूड की जाती है, और दूसरी एग्रो फॉरेस्ट्री होती है जहां पर केवल कमर्शियल और नॉन कमर्शियल फॉर्म फॉरेस्ट्री होती है। यहां पर एक कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है कि आखिर में जो सोशल फॉरेस्ट्री का कंसेप्ट है कि आखिर में वो आया ही क्यों, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, क्यों नहीं हमारे पास जो फॉरेस्ट लैंड है सिर्फ वहीं से हम मेंटेन कर लें। देखिए, यहां पर सीन यह है कि लैंड अंडर द फॉरेस्ट वो काफी ज्यादा लिमिटेड है। अगर आप इनको देखेंगे जो फॉरेस्ट है वो मेनली शेड्यूल्ड एरियाज में है। शेड्यूल्ड एरियाज मतलब कि जो शेड्यूल 5 और 6 के अंतर्गत ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किया गया है, इन शेड्यूल्ड एरियाज में ही आपको मेनली ये फॉरेस्ट मिलेंगे। और यहां पर एक एक्स्ट्रा पावर दी गई है फॉरेस्ट, या फिर कह लीजिए माइनर फॉरेस्ट राइट्स, और इस फाइन जो माइनर फॉरेस्ट राइट है उसको कैंपा से भी अंतर्गत, कैंपा के भी अंतर्गत जो है इसे हटाया गया है, इसको निग्लेक्ट या कह दीजिए एग्जेम्प्ट किया गया है। यहां पर होता यह है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर जो भी ट्राइबल्स बेस्ड है दे कैन कट दीज फॉरेस्ट, तो इन फॉरेस्ट को वो कट कर सकते हैं या फिर इनसे जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेना है वो ले सकते हैं। तो एक तो हमारे पास लिमिटेड फॉरेस्ट है, नंबर टू यहां पर माइनर फॉरेस्ट राइट्स भी दिए गए हैं, तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर जस्ट बाय लिमिटिंग द फॉरेस्ट लैंड्स।
तो इस वजह से हमें इस 23% ऑफ द फॉरेस्ट लैंड को अगर 33% करना है, विच इज द फॉरेस्ट पॉलिसी सेइंग, तो हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा 10% का काम करना पड़ेगा. अब इस 10% के लिए वी कैन नॉट पुट एनी लैंड अंडर द फॉरेस्ट बिकॉज वी आर ए डेवलपिंग कंट्री. हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, जिसके कारण से इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, अर्बनाइजेशन करना ये काफी ज्यादा जरूरी है. और इस वजह से हम कोई भी लैंड को डायरेक्टली अंडर द फॉरेस्ट नहीं रख सकते हैं. तो इसके लिए कर क्या सकते हैं, जहां जगह मिले वहां पर पेड़ लगा दीजिए, यही ना कर सकते हैं. तो इसमें रोड साइड खाली पड़े होते हैं वहां पर अगेन पेड़ वगैरह लगा दिया जाता है. इसके अलावा अगर कोई एरिया फॉरेस्टेड है या फिर कह लीजिए कि कोई एरिया ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है तो वहां पर भी अंडर द फॉरेस्ट ले आ दिया जाता है. तो ये जरूरी चीज है जहां पर ये जो एक्स्ट्रा 10% है इसको मेंटेन करने के लिए वी नीड टू फोकस ऑन द सोशल फॉरेस्ट्री. आई गेस आप लोगों को ये सब चीजें अब क्लियर हो गई होंगी. इनफैक्ट आपको ये अगर बताऊं, जैसे सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लेकर के आई है जिसको बोलते हैं मेड़ पर पेड़. इसमें क्या सीन है, जैसे मान लीजिए दिस इज द फील्ड ऑफ ए फार्मर, मान लेते हैं कोई फील्ड है तो यहां पर इन्होंने क्रॉपिंग की हुई है. तो क्रॉपिंग करने में क्या होता है कि ये एज पे नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये एज यहां से स्टार्ट हो रही है, यहीं से तुरंत क्रॉपिंग स्टार्ट कर दी गई है. ये कुछ जो है मार्जिन बना के रखते हैं. सरकार ने ये कहा यू कैन प्लांट अ फॉरेस्ट हियर, मतलब कि यहां पर आप ट्रीज वगैरह लगा सकते हैं. इससे दो फायदा होगा, एक तो फायदा होगा कि आपका जो जंगली जानवर वगैरह आ जाते हैं वो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो कह लीजिए कि प्लांट है, जो ट्रीज हैं, ये इनकी शेडिंग के कारण से इसको रोकेगा, पहली चीज. दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि हवा जो है, जो विंड है, वो बहुत तेजी से ब्लो करती है, जिसके कारण से अगेन ये जो क्रॉप्स होती हैं, जब ये बहुत छोटी होती है तो इनको नुकसान पहुंच जाता है. तो ये ट्री के थ्रू अगर ये पास नहीं होगी तो ऑब्वियसली ये भी जो है जो क्रॉप्स हैं वो भी बचेगा. दूसरा फायदा, तीसरा फायदा है कि ये जो ट्री यहां पर लगाया गया है, ऑब्वियसली या तो सागौन लगाएंगे या फिर रोजवुड लगाएंगे, तो इस तरीके से जो ट्री आप लगाते हैं तो वो 25-30 ईयर के बाद जब ये ग्रो कर जाता है तो यू कैन सेल दीज वुड्स फ्रॉम दीज ट्रीज, या फिर कह लीजिए कि जो भी डिराइव्ड प्रोडक्ट है फ्रॉम दीज ट्रीज, उससे एडिशनल इनकम ली जा सकती है फार्मर के द्वारा. तो यहां पर फायदा डबल डबल हो गया, एक तो फायदा हो गया फार्मर को इनकम भी हो गया, दूसरा प्रोटेक्शन भी हो गया क्रॉपिंग की, तीसरा फॉरेस्ट्री भी हो गई साथ ही साथ, मतलब सोशल फॉरेस्ट्री भी हो गई. इस तरह से ये सोचिए, अगर हर एक एग्रीकल्चरल लैंड पे इस तरीके की मेड़ पर पेड़ ही लगा दिया जाए तो ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज जस्ट बाय 10%, बट इट विल इंक्रीज बाय एटलीस्ट 3-fold, मतलब 75% से ज्यादा भी जो है एक इंक्रीज हम देखने को मिल सकती है अगर इस तरीके की स्कीम को प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए. देखिए फॉरेस्ट्री जो है हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जस्ट आई एम गिविंग यू माई ओपिनियन, फॉरेस्ट्री एक्चुअली ये केवल और केवल बुक और कंसेप्ट बन करके रह गई है. इसको कोई आदमी अपना नहीं समझता है, इसको ये नहीं लगता है कि वॉट एग्जैक्टली इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट्री. जब आपको ये फील आ जाएगी कि वॉट एग्जैक्टली इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट्री, देन ओनली यू विल बी एबल टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट दोज फॉरेस्ट. अभी क्या होता है, जरूरत पड़ी पेड़ काट दो, क्या करना है, क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट अभी ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू द इन्वायरमेंटल बेनिफिट. लेकिन धीरे धीरे जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होंगी, फॉरेस्ट, अब जैसे क्या है साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे वहां पर क्या है, डिजास्टर्स का जो फ्रीक्वेंसी है काफी ज्यादा बढ़ गया है, चाहे वो आपके साइक्लोन से हो, चाहे वो आपका मॉनसूनल हो, या किसी भी प्रकार से हो. वहां पर एक तो टेम्परेचर राइज हो गया है, दूसरा वहां पर एक तरीके से कह लीजिए कि जो डिजास्टर्स है वो काफी ज्यादा प्रोन हो गई है. इस वजह से वहां के लोग अब समझ गए हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट्री एक्चुअली है क्या. इस वजह से साउथ इंडिया में एक तो इन्वायरमेंटल कंसर्न आप जितने भी सुनेंगे सारा साउथ इंडिया से ही सुनने को आपको मिलेगा, पहली चीज. दूसरी चीज, फॉरेस्ट को कंजर्व करके भी रखते हैं, तो फॉरेस्ट कवर भी आपको जितना ज्यादा मिलेगा वो साउथ इंडिया में ही मिलेगा. अगर आप फॉरेस्ट रिपोर्ट भी पढ़ेंगे तो इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर भी अगर आप देखेंगे तो साउथ इंडिया में ही आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा. दैट इज बिकॉज कि वहां के लोग अब समझ चुके हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया के लोग अभी नहीं समझे, क्योंकि अगेन वही प्रॉब्लम हम उनको
देखने को नहीं मिली है। अब लगातार जैसे असम में या वेस्ट बंगाल में या बिहार में फ्रिक्वेंट फ्लड की कंडीशन होनी शुरू हो गई है, तो ऑब्वियसली विद इन वन और टू ईयर और इनफैक्ट 5 to 7 years लोग अब फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस को समझेंगे और फॉरेस्ट को अब प्लांट करना शुरू कर देंगे। देखेंगे कि आखिर में कि जैसे क्या होता है, आदमी जब गिरता है तभी केवल संभलता है, तो बस वही चीज है, यहां पर गिरेगा नहीं जब तक उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझेगी और अल्टीमेटली उसको खड़ा नहीं होगा। समझ में आया क्या चीज है? आगे अगर बढ़ा जाए तो नेक्स्ट वन इज द कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। यहां पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं, एक होती है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री और दूसरी होती है कम्युनिटी रिजर्व। ये दो चीजें होती हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री वो होती है जहां पर ग्रुप ऑफ द पीपल, जैसे मान लीजिए कि आपके मोहल्ले के लोग या आसपास के कुछ लोग मिलकर के आए, उन्होंने कहा कि यार ऐसा है, चलो एक ये जमीन खाली पड़ी हुई है, इसको जो है अंडर फॉरेस्ट कर देते हैं, या फिर मान लेते हैं किसी ने एक कॉलोनी बसानी है, मान लेते हैं कोई एरिया जो है 600 हेक्टेयर का, 600 एकड़ का मान लेते हैं कोई भी प्लॉट्स ले रखा है, उसको क्या है कि अगर मान लीजिए डेवलप नहीं किया तो ऑब्वियसली एक काम ये किया जा सकता है उसमें कि उसको अंडर द फॉरेस्ट अभी आप रख दीजिए 10 साल 15 साल 20 साल, जब भी बाद आपको कॉलोनी उसको डेवलप करनी होगी आप उस पेड़ को कट भी कर सकते हैं और उसके फूड यूज को भी ले सकते हैं दूसरा, और आपको एक्स्ट्रा इनकम भी आ जाएगी। तो इस तरीके से ये जो काम किया था उसको कम्युनिटी फॉरेस्ट्री की जाती है, जहां पर लोग आपस में मिलकर के फॉरेस्ट्री करते हैं। क्लियर हो गया कम्युनिटी फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है? अभी मैं कम्युनिटी रिजर्व बताता हूं, पहले कम्युनिटी फॉरेस्ट्री को देख लीजिए। इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इट इन्वॉल्व द रेजिंग ऑफ ट्री ऑन द कम्युनिटी लैंड, जो भी ग्रुप ऑफ द पीपल होंगे उनके लैंड पे, विद द सेट ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द कम्युनिटी एज अ होल। और खैर पूरे पृथ्वी को तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ऑल दो द प्लांट्स एंड सीडलिंग्स आर प्रोवाइडेड बाई द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांटेड ट्री इज प्राइमरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल। तो इस तरीके से यहाँ जो लोग होते हैं वही देखते हैं। दूसरी चीज जो होती है कम्युनिटी रिजर्व होती है। कम्युनिटी रिजर्व का मतलब ये होता है जब लोग ये कहते हैं कि ये हमारा सीक्रेट प्लेस है। जैसे मान लीजिए बेलपत्र हो गया, हिंदू माइथोलॉजी में बेलपत्र एक कह लीजिए कि काफी पवित्र माना जाता है, सीक्रेट माना जाता है। तो इसमें क्या करते हैं लोग, मंदिर है, मंदिर के आसपास क्या है, प्लांटेशन कर देते हैं, यहाँ पर फॉरेस्ट्री एक तरीके से कह सकते हैं छोटे फॉर्मेट में कर देते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से सीक्रेट ग्रूव है। जैसे केरला में अगर आप जाएंगे तो वहां पर सीक्रेट ग्रूव्स बनाए जाते हैं, सीक्रेट जो है एक रिजर्व बनाया जाता है जहां पर ये अपने डाइटीज की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से जो फॉरेस्ट्री की जाती है उसको बोला जाता है कम्युनिटी रिजर्व, और ये प्योरली प्राइवेट होती है। क्लियर हो गया? अगर इंडिया में बात किया जाए तो इंडिया हैज परफॉर्म्ड सुपर्बली इन कम्युनिटी फॉरेस्ट्री एंड स्टैंड्स ओनली नेक्स्ट टू चाइना इन दिस रिस्पेक्ट। द स्टेट इन विच कम्युनिटी फॉरेस्ट्री इज अ बिग सक्सेस आर कौन कौन से, देखिए साउथ इंडिया ही आपको मेनली ज्यादा देखने को मिलेगा, कुछ तो पार्ट ऑब्वियसली बाकी मिलेंगे ही, जैसे गिर फॉरेस्ट्री यानी कि गुजरात में हो गया, हरियाणा में हो गया, हिमाचल प्रदेश में हो गया, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो डाइटीज वाला खेल है वो आपका उत्तराखंड में और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तो ये वो इलाके हैं जहां पर हमें कम्युनिटी रिजर्व्स भी मिलती हैं एज वेल एज द कम्युनिटी फॉरेस्ट्री भी होती है। क्लियर हो गया? लास्टली आ जाती है हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में, जहां पर हम लोगों ने बात किया था एग्रीकल्चर रिलेटेड आइटम जहां पर भी होती है, मतलब एग्रीकल्चरल वर्क जहां पे होती है साथ ही साथ में उसकी फॉरेस्ट्री भी कर दी जाती है, तो उसको मिलाकर के हम लोग बोल देते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। यहां से एक तो मॉनेटरी बेनिफिट हो जाती है, क्योंकि जब भी ये पेड़ डेवलप हो जाएंगे, जब भी ये ट्रीज डेवलप हो जाएंगे तो ये अल्टीमेटली यहाँ की वुड्स देंगे, साथ ही साथ में मेडिसिनल कह लीजिए कि जो है बाय प्रोडक्ट्स भी देते हैं, तो इस कारण से इनका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा इन पेड़ पर बी कीपिंग भी की जा सकती है, यानी हनी बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन भी किया जा सकता है, तो इससे एक और एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट हो जाती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय यही फोकस कर रही है कि एक तो एग्रो फॉरेस्ट्री करवा दिया जाए फार्मर के द्वारा, साथ ही साथ में एनिमल हस्बेंड्री भी करा दिया जाए, मतलब इस तरीके की मिक्स्ड फार्मिंग का कंसेप्ट गवर्नमेंट प्लान कर रही है। तो ये मिक्स्ड फार्मिंग जो है वो प्रमोट भी किया जा रहा है। एग्रोफॉरेस्ट्री इज अ टाइप ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री इन विच इंडिविजुअल फार्मर अंडरटेक फ्री फार्मिंग ट्री फार्मिंग एंड ग्रोज फॉडर प्लांट, ग्रासेस एंड लेग्यूम्स ऑन हिज ओन लैंड। इन एग्रोफॉरेस्ट्री
trees are considered as a crop and they become a part of the crop combination. तो अगेन जो मैंने आपको बताया मेड़ पर पेड़, वही वाला कंसेप्ट आप यहां पर लगा करके चीजों को समझ सकते हैं. आगे अगर बात किया जाए तो अंडर द एग्रोफॉरेस्ट्री अ फार्मर जनरली यूज हिज डिग्रेडेड और यूजफुल लैंड टू प्लांट ट्रीज फॉर डोमेस्टिक यूज और कमर्शियल यूज. डोमेस्टिक का मतलब घर के लिए और कमर्शियल का मतलब वही कि अगर वुड को काट करके अल्टीमेटली फर्नीचर इंडस्ट्री में अगर वो दे देता है या फिर किसी ऐसे इंडस्ट्री में दे देता है जहां से उसको मॉनेटरी बेनिफिट होगा तो उसे कमर्शियल यूज कहा जाता है. सच लैंड में बी हिज ओन और ऑप्टेन और लीज इन द सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम. एग्रोफॉरेस्ट्री इन्वॉल्व्स बोथ द बिग एंड स्मॉल फार्मर. इट फेचर्स एडिशनल इनकम टू द फार्मर, इम्प्रूव देयर इनकम, देयर बाय देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग लीन एग्रीकल्चरल सीजन. दीज ट्रीज आर नॉर्मली हार्वेस्टेड after 6 to 10 year from the date of plantation depending on the need and requirement of the farmer. The main advantage, kya kya main advantage hai, yahan se to aap ek cheez to samajh hi gaye honge ki inko extra income to hone wali hai, lekin ye jo extra income hai wo kis kis tarike se hogi yahi aapko basically dekhna hai yahan par. Sabse pehle to aap yahi bol sakte hain ki jo the absentee landlord go for agroforestry to retain title of the land and increase their income. तो पहली तो जैसे कहा जाता है ना जमीन पर कब्जा ना हो जाए उसको रोकने के लिए आप ये काम कर सकते हैं कि एग्रोफॉरेस्ट्री कर दीजिए. कोई भी अब आपके फॉरेस्ट में मतलब कि कोई भी आपके लैंड पे आकर के कुछ भी मतलब एक तो मेड़ नहीं हटा पाएगा, मतलब कि आपका जो जमीन है जितना बड़ा जमीन है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है. दूसरा आपकी जमीन पे कोई कुछ उगा नहीं सकता है, कुछ भी जो है वहां पर प्लांट नहीं कर सकता है. तो इस तरीके से अगेन आप अपने लैंड को बचा सकते हैं. टू मैनेज एग्रीकल्चरल लैंड इवन विदाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ फैमिली लेबर. तो इस तरीके से एग्रीकल्चरल लैंड को मैनेज भी किया जा सकता है बिना किसी वर्कफोर्स के. टू इंश्योर बेटर लैंड यूज, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर. अगेन सॉइल मॉइस्चर क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है पेड़ की जो जड़ होती है जो उसके रूट होते हैं वो अल्टीमेटली क्या करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू वाटर को मैनेज करके रखते हैं, वाटर को मेंटेन करके रखते हैं और इस तरीके से सॉइल की जो मॉइस्चर है वो भी कंजर्व रहती है. टू मीट द नीड ऑफ फूल फ्यूल वुड्स फॉडर एंड टिम्बर, टू प्रोटेक्ट द अरेबल लैंड फ्रॉम विंड्स एंड वाटर इरोजन. ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया है. आगे अगर देखा जाए तो देखिए कुछ और भी एग्रोफॉरेस्ट्री के खास बात है. डिस्पाइट न्यूमरस मटेरियल एंड जियो क्लाइमेटिक बेनिफिट एग्रोफॉरेस्ट्री हैज सम एडवर्स इफेक्ट ऑल्सो ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड. क्या क्या दिक्कतें हैं इसमें देखिए. अगर आपने एग्रोफॉरेस्ट्री की है लेकिन चॉइस ऑफ द प्लांट चॉइस ऑफ द ट्री आपने गलत कर लिया तो बहुत नुकसान हो जाता है. जैसे यूकेलिप्टस की ट्री है. यूकेलिप्टस की ट्री क्या होती है कि एक तो काफी ज्यादा टाइम लेती है डेवलप करने में लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग वुड्स होती हैं. तो इस वजह से जो फार्मर्स हैं वो यूकेलिप्टस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इसकी जो कॉस्ट है मतलब कॉस्ट इन द सेंस की एक तो कॉस्ट कुछ आती नहीं है, कॉस्ट टू द फार्मर कुछ नहीं आती है लेकिन इसकी आउटकम बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ कि ज्यादा टाइम तक इसको रखना पड़ता है. तो नियर अबाउट 100 ईयर्स तक इसको रखना पड़ जाता है. तो इस वजह से जो होती है इसकी कॉस्ट जो होती है काफी मतलब आउटकम जो है काफी अच्छी आ जाती है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है या आसपास का जितना भी सॉइल मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो इससे आसपास की जो क्रॉपिंग है वो खराब हो जाती है. तो इससे क्या है इसका इसका एक एडवर्स इफेक्ट सामने आ रहा है. तो मार्केट ओरिएंटेड ट्रीज आर प्रेफर्ड विच डैमेज द इकोसिस्टम. इंस्टेड ऑफ पॉपुलर एंड यूकेलिप्टस फार्मर शुड गो फॉर प्लांटेशन ऑफ नीम महुआ करांज अर्जुन. तो इस तरीके से हमें पॉपुलर या फिर यूकेलिप्टस नहीं प्लांट करना चाहिए. उसके पीछे रीजन आप लोग समझ ही गए हैं क्या रीजन है. फ्यूल वुड एंड फॉडर ट्रीज आर जनरली निग्लेक्टेड. जनरली इन लोगों को छोड़ दिया जाता है. देखा जाता है जैसे क्या होता है कि हर एक एरिया में जहां पर भी आप जाएंगे चाहे वो हरियाणा हो पंजाब हो उत्तर प्रदेश हो बिहार हो या साउथ इंडिया में हो महाराष्ट्र हो गुजरात हो हर जगह सब लोग चाहते हैं कि गेहूं और चावल यही खाली और खाली प्लांट किया जाए. क्यों? क्योंकि इसकी एमएसपी जो है वो हाई रहती है ऑल टाइम हाई रहती है. इस वजह से लोग पल्सेस ऑयल सीड इस पर नहीं जाते हैं क्योंकि पल्सेस और ऑयल सीड का क्या है एक तो रख रखाव ज्यादा करना पड़ता है दूसरा एमएसपी रिलेटिवली लो रहती है इन सबके कंपैरिजन में मतलब राइस और वीट के कंपैरिजन में इनकी एमएसपी पल्सेस वगैरह की कम रहती है. तो इस वजह से लोग देखते हैं इसको इमीडिएट बेनिफिट क्या होने वाला है.
मतलब उन्हें ये नहीं पता है कि जैसे पंजाब में राइस कल्टीवेशन नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी वहां पर जबरदस्ती की जाती है। तो एज पार्ट ऑफ रिजल्ट क्या हुआ है, सॉइल की वहां एल्कलाइनिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण से वहां की फर्टिलिटी खराब हो गई है। तो पंजाब अब धीरे धीरे जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजर रहा है। तो बस वही सेम चीज यहां पर भी है। सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखना है कि हमें इमीडिएट बेनिफिट नहीं देखना है, वी हैव टू मेक द सिस्टम इन अ सस्टेनेबल वे, एंड द सस्टेनेबिलिटी इज व्हाट, सस्टेनेबिलिटी इज यू हैव टू मेक अ बैलेंस इन द न्यूट्रिएंट ऑफ द सॉइल, दैट इज द एनपीके रेशियो मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और इसमें आपको ऐसे ट्रीज का सिलेक्शन करना पड़ेगा, चॉइस करनी पड़ेगी जो कि बैलेंस बना करके रखे। क्लियर हो गया। द एग्जॉटिक वैरायटीज प्लांटेड बाय द फार्मर्स इन द फॉर्म ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री आर सॉइल मॉइस्चर एंड वाटर एग्जॉस्टिव। जैसा कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को डिस्कस ही किया है कि हमें एक मैनेजमेंट करके एक बैलेंस करने की रखने की जरूरत है। कॉन्सिक्वेंटली द अंडरग्राउंड वाटर टेबल इज एडवर्सली अफेक्टेड, द लैंड अंडर एग्रोफॉरेस्ट्री बिकम्स अनप्रोडक्टिव एज द रूट ऑफ ट्री बिकम सो डेंस दैट दे आर डिगिंग एंड रिमूवल ऑफ रिमूवल टू ब्रिंग द लैंड अंडर कल्टिवेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अब देखिए इसमें एक सीन क्या है, सपोज आपने एक ऐसे ट्री को लगा दिया जिसकी रूट जो है काफी डीप चली गई है। डीप चले जाने के कारण क्या होती है कि जो सॉइल एक तरीके से कह लीजिए कि डेवलप्ड होता है, वो अब बिकॉज ऑफ द रूट डिस्टर्ब हो जाता है, और इस डिस्टर्बेंस के थ्रू अगेन सॉइल की जो अपनी हॉराइजंस होती है वो फिर से रीडेवलपमेंट में आ जाती है, जिसके कारण से अगेन यहां पर कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। कई बार सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाती है, कई बार सॉइल जो है वो एल्कलाइन हो जाती है। तो अगेन जो होती है प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है बिकॉज ऑफ द रूट। इन द फील्ड अलॉन्ग विच ट्रीज हैव बीन प्लांटेड द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया डिक्रीज एज एट लीस्ट इन अबाउट 2 मीटर फ्रॉम द ट्रीज द मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। देखिए क्यों, क्योंकि अगेन वही ट्री जो है बचपन में आप लोगों ने साइंस में बायोलॉजी में पढ़ा होगा जाइलम फ्लोएम के बारे में। तो इससे होता क्या है कि आसपास की जो मॉइस्चर होती है वो रूट्स के द्वारा जाइलम के द्वारा वो एब्जॉर्ब कर दी जाती है, और अल्टीमेटली जो इसके लीव्स हैं, जो इसके स्टेम है, मतलब ट्री के जो स्टेम है वहां पर चला जाता है। द ट्री बिकम्स द हैबिटेट ऑफ मेनी पेस्ट एंड डिसीज एडवर्सली अफेक्टिंग द क्रॉप। यहां पर देखिए एक सीन आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने ट्री का ऐसा चॉइस कर दिया जो इन्वेसिव हो जाता है, तो इन्वेसिव होने के कारण से जो भी आपने क्रॉपिंग की है अपने फील्ड में वो पूरा का पूरा स्पॉइल हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू बी वेरी प्रीसाइज एंड वेरी कॉन्शियस इन चूजिंग इन सिलेक्शन ऑफ द ट्री। इसलिए काफी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ स्पेसिंग ऑफ द ट्री, अगेन ये भी जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि जब भी एक तो रूट की प्रॉब्लम हो जाएगी, दूसरी सॉइल मॉइस्चर की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये जो है हमें स्पेसिंग भी ध्यान से करने की जरूरत है। अगर हम लोग एक पूरे के पूरे एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बात किया जाए, तो इन ब्रीफ एग्रोफॉरेस्ट्री इज अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड यूटिलाइजेशन व्हिच नॉट ओनली प्रोवाइड फ्यूल फूड फॉडर एंड ग्रासेस बट हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर कंजर्वेशन। और इसी कारण से जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्वाइंटली अब क्या कर रहे हैं, एग्रोफॉरेस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा रही है, और बेटर वे में बताया जा रहा है कि कैसे आपको लैंड मैनेजमेंट करना है, कैसे आपको चॉइस ऑफ द ट्री करना है, और कैसे आप इन एग्रीकल्चर एग्रोफॉरेस्ट्री के बाद भी सिल्वीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री और भी कई सारे काम करके एक्स्ट्रा इनकम आप कमा सकते हैं। इन प्लांट के सिलेक्शन में कोशिश की जाती है कि या तो प्लांट जो है वो न्यूट्रल टाइप का रहे, कोई डिसबैलेंस ना करे, या फिर मेडिसिनल प्लांट बने। इससे क्या होगा, डबल फायदा, मेडिसिनल प्लांट एक तो बढ़ते जाएंगे और हमें अलग से इसकी जगह खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा हमारे फार्मास्यूटिकल के लिए जो APIs की जरूरत है जो हम लोग चाइना से मंगाते हैं वो अगेन हम लोग मेक इन इंडिया कंसेप्ट को डेवलप कर लेंगे। अंडर एग्रोफॉरेस्ट्री अ फार्मर जनरली यूजेस हिज डिग्रेडेड और यूजफुल लैंड टू प्लांट ट्रीज फॉर हिज डोमेस्टिक यूज और फॉर कमर्शियल यूज। क्लियर हो गया क्या चीज है। एग्रोफॉरेस्ट्री हैज बिकम वेरी पॉपुलर इन आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब। तो मतलब आप देखेंगे एक ऐसे इलाके में है जो मेनली एक तो साउथ इंडिया में है या फिर ट्राइबल एरिया है, तो जहां पर भी आप देखेंगे इन सारे स्टेट में
सब के सब शेड्यूल 5 या शेड्यूल 6 के एरिया से बिलोंग करते हैं, मेनली तो शेड्यूल 5 के ही एरिया से। द मेन स्पीसी ऑफ ट्री प्लांटेड बाई फार्मर इन देयर फील्ड आर यूकेलिप्टस, पॉपुलर, कैजोरिन्स। द वुड ऑफ दीज फॉरेस्ट इज यूज मेनली फॉर फ्यूल वुड, प्लाईवुड, पेपर, पल्प मैन्युफैक्चरिंग एंड मैच इंडस्ट्रीज। क्लियर हो गया क्या चीज है एग्रोफॉरेस्ट्री? आई गेस आप लोगों को पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा एक छोटा सा और पॉइंट है कि एग्रोफॉरेस्ट्री हैज बेनिफिटेड द बिग फार्मर मोर देन द मार्जिनल और स्मॉल फार्मर। उसके पीछे रीजन यही है कि जो बड़े फार्मर होते हैं उनके पास लैंड ज्यादा होती है, ज्यादा लैंड रहेगी, ज्यादा अच्छे से मैनेजमेंट किया जा सकता है, छोटी लैंड पे मैनेजमेंट कर पाना मुश्किल होती है। मेनी ऑफ द एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स प्लांट कमर्शियल ट्रीज इन देयर एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग टू सेव देयर लैंड फ्रॉम डिस्पोजेशन। कहीं दूसरे के हाथ में ना चली जाए इस चक्कर में जो है ये लोग उस पर पूरी की पूरी जो होती है फॉरेस्टेशन कर देते हैं। दस द एग्रीकल्चरल लेबर्स आर थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द डाइवर्जन ऑफ गुड एग्रीकल्चरल लैंड फ्रॉम सीरियल एंड कमर्शियल क्रॉप्स मे क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ स्केयर्सिटी ऑफ फूड स्टफ एंड इंडस्ट्रियल मटेरियल। द प्रोग्राम देयर फोर नीड अ न्यू स्ट्रैटेजी एंड री ओरिएंटेशन टू अचीव इट्स अ रियल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब हम लोग जरा देख लेते हैं कि आखिर में जो फॉरेस्ट की डिग्रेडेशन हो रही है आखिर में इसका स्टेटस क्या है, किस हद तक डिग्रेडेशन हो चुकी है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉरेस्ट की, फिर देखेंगे आखिर में क्या कुछ किया जा सकता है और अल्टीमेटली क्या फॉरेस्ट पॉलिसीज है। अगर देखा जाए यहां पर तो कंटिन्यूइंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आवर फॉरेस्ट रिसोर्स हैज डैमेज्ड द फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑलमोस्ट बियॉन्ड रिपेयर एज अ कंसीक्वेंस ऑफ डिनुडेशन ऑफ हिल स्लोप्स, सॉइल इरोजन एंड रिकरेंट फ्लड्स हैव इमर्ज्ड एज अ मेजर प्रॉब्लम। तो जितनी फॉरेस्ट की कटिंग होगी सॉइल की उतनी डिग्रेडेशन होगी, और जितना ज्यादा सॉइल की डिग्रेडेशन होगी उतना ज्यादा सॉइल का इरोजन होगा, और जितना ज्यादा सॉइल का इरोजन होगा उतना ही ज्यादा फ्लडिंग होती जाएगी। क्लियर हो गया क्या चीज है? अब देखिए अकॉर्डिंग टू द वन एस्टिमेट जो रिमोट सेंसिंग के थ्रू किया गया यानी कि सैटेलाइट के थ्रू किया गया, इसमें यह बताया गया है कि इंडिया में लगभग 1.3 मिलियन हेक्टेयर की जो फॉरेस्ट कवर है हर साल खराब होती जा रही है। दिस इज रियली एन अलार्मिंग। क्यों? क्योंकि एक तरफ हम लोग कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की, दूसरी तरफ देखिए ये फॉरेस्ट कटिंग स्टार्ट हो गई है। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। शिफ्टिंग कल्टिवेशन है जरूर, लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज होती है, मेनली होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण से। इट इज नॉट जनरली रियलाइज दैट द फॉरेस्ट आर लाइफ सस्टेनिंग एजेंट, दे प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। द रिसेंट कंसर्न फॉर एनवायरमेंट हैज रिजल्टेड इन रीथिंकिंग ऑन दीज इश्यूज, लुकिंग एट द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ आवर फॉरेस्ट रिसोर्स एंड डिग्रेडेशन। इट इज इंपरेटिव टू यूटिलाइज देम इन अ जुडिशियस मैनर सो दैट दे मे बी रीजनरेट इन अ शॉर्टर टाइम टू मेक देम सस्टेनेबल। तो बस सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट हमेशा अपने दिमाग में हमें बना करके रखना होगा। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं कि आखिर में प्रॉब्लम्स क्या है फॉरेस्ट्री के लिए, कि आखिर में ऐसा क्या है, दिक्कत क्या है जिसके कारण से जो फॉरेस्ट है वो डिग्रेड करते जा रही है, खराब होते जा रही है, खत्म होते जा रही है। सबसे पहला इसमें रीजन आता है लो फॉरेस्ट कवर। इंडिया में ऑलरेडी लो फॉरेस्ट कवर है, और इस लो फॉरेस्ट कवर पे ऑब्वियसली अगर आप डिग्रेड करेंगे तो बहुत ही लार्जर सेक्शन में हमें नुकसान होगा। जैसे जब सेक्शन बहुत ज्यादा होता है, जैसे मान लीजिए समुद्र है, समुद्र से अगर आप मान लीजिए कि 2 लीटर पानी निकाल भी लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर किसी तालाब से 2 लीटर पानी निकाल लिए तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो बस वही चीज यहां पर भी है कि फॉरेस्ट में हमारे पास ऑलरेडी काफी लो परसेंटेज है, और इनफैक्ट ये जो परसेंटेज हम लोगों ने अपना कैलकुलेट करके रखा भी है दिस इज ऑब्वियसली ओवर एस्टिमेटेड, और ये ओवर एस्टिमेटेड के कारण ही अगर हल्का सा भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई डिग्रेडेशन होती है, कोई डिसीज फैलती है, तो ये काफी ज्यादा वाइल्ड फायर टाइप की फैलती है जिसके कारण से हमें फॉरेस्ट में काफी ज्यादा नुकसान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल यहां पर मैं लेना चाहूंगा ब्राजील का। ब्राजील में अभी अमेजॉन जो फॉरेस्ट है वहां पर आग लगी थी, बट नोबडी केयर्ड, एक्चुअली किसी ने केयर नहीं की शुरुआती दिनों में, लेकिन ऐसा कहा गया कि इंडिया, मतलब इंडिया नहीं वर्ल्ड जो है वो अब जितनी ऑक्सीजन ले रहा था उसका लगभग 30% ऑक्सीजन जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो ऑब्वियसली कई सारे, एक तो ट्राइब यहां पर खत्म हो गए, बहुत सारे कल्चर्स खत्म हो गए,
साथ ही साथ में जो फॉरेस्ट्री डिस्टर्ब हुई है उसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन भी काफी ज्यादा इमर्ज होकर के सामने आ रही है। तो यहां पर एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा रिसेंट में भी ऑस्ट्रेलिया में भी आग लगी थी और इस ऑस्ट्रेलिया में भी जो फायर हुई थी उसके कारण से बहुत सारे ऐसे एंडेमिक ट्रीज थे जो जल करके खत्म हो गए थे, तो ये भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा इंडिया में हमारे यहाँ पर हर साल हिमालयन रीजन में आग लगती ही है और उस कारण से अगेन फॉरेस्ट फायर वाली कंडीशन होती है। सिमिलरली आंध्र प्रदेश में भी फॉरेस्ट फायर होती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि तो जो फॉरेस्ट फायर या कोई भी फॉरेस्ट को डिग्रेड किया जाता है वो एक बहुत ही लार्जर स्केल पे होता है, जिसके कारण से जो हमें नुकसान होती है वो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाते हैं। द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज ओनली 21% एज अगेंस्ट अ वर्ल्ड एवरेज ऑफ अबाउट 35%। द ओवरऑल डिजायर्ड फॉरेस्ट एरिया आर रिकमेंडेड इन द फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया 1952 इज 33%। और इस 33% में 25% जो है वो प्लेन एरिया में बोला गया और 60% जो है वो हिल रीजन में बोला गया है ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। इसमें अगर देखा जाए तो कहां कहां पर मिसिंग टाइप की है वो है हर एक स्टेट में, लेकिन कुछ को छोड़ करके जैसे अंडमान निकोबार हो गया, असम हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया, मेघालय, मतलब नॉर्थ ईस्ट के एरियाज को अगर छोड़ दिया जाए तो मेनली जितने भी एरियाज हैं, मतलब मेनलाइन इंडिया के जितने भी एरियाज हैं उन सब में फॉरेस्ट की काफी ज्यादा कमी देखने को मिलती है। इनफैक्ट अगर बात करें पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, यहां पर 10% से भी कम एरिया जो है अंडर फॉरेस्ट है, जो कि दिखा रहा है कितना ज्यादा निग्लेक्ट किया गया है। इसके अलावा ओवर ग्रेजिंग होती रहती है। इस ओवर ग्रेजिंग के कारण से अगेन गोट हो गई, मतलब बकरी हो गई, गाय हो गई, प्लक कर देती है, जिसके कारण से एक तो सॉइल खराब हो ही गई, साथ ही साथ में फॉरेस्ट भी पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज ऑब्वियसली अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस बिकॉज दीज कम्स अंडर द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जहां पर ट्राइबल्स अगर इसकी कटिंग भी कर देते हैं तो यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगेन इट इज अ प्रॉब्लम फॉर द ओवरऑल स्टेटस ऑफ द फॉरेस्ट एंड दैट इज व्हाई ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू क्रिएट अ मोर एंड मोर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फॉर द एनवायरमेंट ऑफ द ग्लोब। इसके अलावा ग्रोइंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, तो एग्रीकल्चरल लैंड की जितनी ज्यादा डिमांड है उतना ज्यादा एग्रीवेट करेगा शिफ्टिंग कल्टिवेशन को, और जितनी ज्यादा शिफ्टिंग कल्टिवेशन होगी उतनी ज्यादा ही फॉरेस्ट की कटिंग हो जाएगी, तो अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये सब ऑब्वियसली अपने आप में बहुत बड़े रीजंस हैं फॉरेस्ट्री को कट करने के लिए। इसके अलावा कमर्शियल एक्टिविटीज हो गई, ये सब जो है दिक्कतें हैं। अगर हम लोग बात किया जाए आखिर में किया क्या जा सकता है, मतलब कंजर्वेशन टेक्निक्स आखिर में क्या कुछ हैं, तो वन बाय वन करके अगर डिस्कस करें तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स इज इंपरेटिव फॉर आवर सर्वाइवल। सम ऑफ द स्टेप्स विच कैन गो अ लॉन्ग वे इन मेकिंग द फॉरेस्ट हेल्दी एंड सस्टेनेबल आर क्या क्या हो सकती है। पहला, एफॉरेस्टेशन किया जा सकता है, तो इसमें तो खैर कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कि यू हैव टू मेंटेन द फॉरेस्ट एंड यू ऑलवेज हैव टू मॉनिटर कि आखिर में द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट इफ इट इज डिग्रेडिंग देन व्हाई इट इज डिग्रेडिंग एंड हाउ टू इम्प्रूव इट, तो हमें कंटिन्यूअसली ये देखना पड़ेगा। इनफैक्ट वी हैव अ सेपरेट कैडर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस फॉर दैट, यहां पर फॉरेस्ट की लगातार कंजर्वेशन और मेंटेनेंस देखनी होती है। इसके अलावा कम्युनिटी फॉरेस्टेशन हमें देखना पड़ेगा, हमें कंटिन्यूअसली लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट एंड इफ देयर इज एनी डिग्रेडेड लैंड or any free land, then obviously the land should be put under the forestation. ठीक है, आगे बात किया जाए अगर encroachment of the agriculture in forest should be made punishable. कोई काटता है तो उसको punish किया जाए. Rural population should be provided alternate source of fuel wood and wood-based product. यहाँ पर आप LPG को कह सकते हैं कि it is a very good scheme, जहाँ पर अब fuel wood और wood-based जो products हैं उनको हम लोग एक alternative source provide कर दिए हैं, but still हमें और थोड़ा सा focus करने की जरूरत है। आगे अगर बात किया जाए, the development project including mining, industrial activity should also be planned so that to cause minimum damage to the forest ecosystem. This is very important. क्यों? क्योंकि देखिए, being a developing country, we need to focus on the developmental activities. हमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भी करनी पड़ेंगी, साथ ही साथ में हमें मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट भी करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों ने एक एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ये बेसिकली हर एक प्रोजेक्ट के लिए कंपलसरी कर दिया है। एज पार्ट ऑफ दिस रिजल्ट जो भी प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं उसमें एक
रिपोर्ट पब्लिश करनी होती है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की। अगर ये प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश कर दिया जाता है, बना दिया जाता है, तो कितना परसेंट ऑफ द एनवायरमेंट को क्षति पहुंचेगी, डिग्रेड होगा। लेकिन फिलहाल में गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट नोटिस जारी किया हुआ है एनवायरमेंट को लेकर के। इन्होंने एक बिल में चेंजेस किए हुए हैं, उस बिल को आप जाकर के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट की वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं। और मैं कहूंगा कि काफी डिस्टर्बिंग ड्राफ्ट है, उसमें कई सारे ऐसे पॉइंट जरूर किए गए हैं जो वन साइडेड हैं, मतलब कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा पहुंचाएंगी और कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के साथ में कॉम्प्रोमाइज होगा हमारा। माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव एन ऑब्लिगेटरी क्लॉज ऑफ रिफॉरेस्टेशन एंड शुड व्हेन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग इज ओवर। अब देखिए यहां पर गवर्नमेंट ने तो क्या एक नई स्कीम निकली हुई है। बेसिकली यहां पर यह कहा गया है कि इफ इन केस एनी माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर इज गोइंग टू मेक सम माइन, या कोई भी माइनिंग करने जा रहा है और वहां पर अगर फॉरेस्ट की कटिंग करनी है, तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है कैंपा का, हम उनसे जो है पैसा ले लेते हैं। बट जो पेड़ हम लोगों ने आज कट कर दिए हैं, मान लेते हैं कि 100 इयर्स उस ट्री को हो गया है, और अगर हम लोग आज की डेट में कोई प्लांटेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कैंपा, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू टेक 100 ईयर टू डेवलप दीज प्लांट्स। तो इस 100 ईयर में ऑब्वियसली जो एनवायरमेंट है वो काफी ज्यादा डिग्रेड हो जाएगी। तो इस कारण से हुआ ये है, एक नया प्लान लेकर के आया गया, नई स्कीम है, उसमें हो ये रहा है कि जब भी कोई भी इंडस्ट्रीज को, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को मान लेते हैं कि कोई ट्री कट करना है, और जो ट्री कट करना है मान लेते हैं वो 3000 हेक्टेयर की ट्री है, तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप एक काम करिए, खोज के आइए एक ऐसे एनजीओ को, ऐसे बंदे को खोज करके आइए जिसने अपना 3000 हेक्टेयर का फॉरेस्टेशन किया हुआ हो, और ये जो है वो प्राइवेट होगा, जैसे कंजर्वेशन होती है ना वैसे ही प्राइवेट होगा। इनके पास जाइए, इनको आप जो भी पैसा देना है, जो कुछ भी देना है आप दीजिए, और इनसे 3000 फॉरेस्ट के कट करने का एक रिसिप्ट लेकर के आइए। जब आप रिसिप्ट ले लेंगे तब हम इस 3000 हेक्टेयर को काटने वाला जो आपने दिया हुआ है वो हम फिर आपको परमिट दे देंगे। इससे क्या होगा कि बेसिकली 3000 हेक्टेयर के बदले में 3000 हेक्टेयर, नाउ दिस गवर्नमेंट, दिस एनजीओ विल गेट सम मनी एंड इट इज गोइंग टू परचेज सम न्यू लैंड एंड इट विल पुट अंडर एफॉरेस्टेशन। तो इस तरीके से जो हमारा एफॉरेस्टेशन की जो क्वालिटी है कभी डिग्रेड नहीं होगी, इट इज गोइंग टू इंक्रीज ओनली, इट विल नॉट डिग्रेड। तो ये काफी अच्छा एक स्कीम मैं कहूंगा लाया गया है, जिसपे हमें फोकस और इसको प्रमोट करने की जरूरत है। इंडस्ट्री शुड अडॉप्ट एंटी पॉल्यूशन डिवाइसेज एंड मस्ट डेवलप एंड कंपनसेट द फॉरेस्ट लॉस बाय न्यू प्लांटेशन। ट्राइबल्स एंड लोकल पीपल शुड बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन, रीजनरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। दिस इज बिकॉज दे आर एक्चुअली द लोकल्स एंड दे आर कॉन्स्टेंटली इन टच सिंस द चाइल्डहुड। तो जैसे क्या होती है कि लद्दाख में अपनी एक बटालियन होती है जो लद्दाखी स्काउट्स होती है, सिमिलरली वैसे ही गढ़वालियों की होती है जो उत्तराखंड में है, सिक्किम में होती है और हर एक इलाके में है। तो ये बनाई ही है इसलिए जाती है क्योंकि इनको, इनकी पैदाइश ही यहीं पर हुई है, मतलब इनके बर्थ ही यहीं पर हुआ है, तो ऑब्वियसली इस क्लाइमेट के लिए काफी ज्यादा प्रोन होते हैं। बाकी अगर मान लीजिए कि बाकी लोगों को अगर लेकर के आते हैं तो ऑब्वियसली उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और ट्रेनिंग के बावजूद भी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है और जो बॉडी कंडीशन होती है वो मैच नहीं करती है, जिसके कारण से अगेन जो हमारी फोर्सेस होती है थोड़ी सी वीक हो जाती हैं। तो इस तरीके से लोकल पीपल का हमें सहारा लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इनफैक्ट इन फोर्सेज ऑल्सो जो भी स्पाई होते हैं या कह लीजिए जो भी इंटेलिजेंस होती है वो लोकल बंदों को पकड़ के रखती है। लोकल बंदे अच्छी खबर लेकर के आते हैं, मतलब कि काफी ज्यादा जो है वो सीक्रेट न्यूज लेकर के आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कंजर्वेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी टेक्निक्स हैं, लाइक शिफ्टिंग कल्टीवेशन शुड बी ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय टेरेस फार्मिंग एंड ऑर्किड डेवलपमेंट एंड सिल्वीकल्चर। साइंटिफिक मेथड शुड बी अडॉप्टेड टू चेक एंड कंटेन फॉरेस्ट फायर। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट कंट्रोल इन इशूइंग लाइसेंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट हमें काफी सही तरीके से देखना पड़ेगा, उसको इवैल्यूएशन काफी सही तरीके से करना चाहिए, और एनवायरमेंट के साथ में हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। डजंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इट इज गोइंग टू बी देयर बाय द प्रोजेक्ट, बट वी कैन नॉट मेक एनी कॉम्प्रोमाइज विद द एनवायरमेंट, क्योंकि ये अल्टीमेटली जो है काफी ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। देयर शुड बी मोर रिसर्च ऑन द फॉरेस्ट्री इन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज फॉर विच यूथ फैसिलिटीज and funds should be provided by the central state government. Forestry should be made an important part of the course structure in school
कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। जैसे आज के दिनों में आप लोग देख रहे होंगे कि फॉरेस्टेशन पे थोड़ा सा फैशन में आया है, लेकिन अगर आप 10 साल 15 साल पहले देखेंगे तो इनका कोई मतलब नहीं था। मतलब फॉरेस्टेशन तो जस्ट इट वॉज लाइक अ हॉबी ओनली। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देयर शुड बी अरेंजमेंट्स टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीज, ताकि कोई भी अगर फॉरेस्ट डिसीज फैलती भी है तो वो ज्यादा स्प्रेड न करने पाए, ज्यादा डिग्रेड न करने पाए। देयर शुड बी परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट, ताकि इफेक्टिव और जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड उसका कंजर्वेशन, उसका बीज बचाव किया जा सके। पीपल शुड बी इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन वन महोत्सव एंड शुड बी मेड अवेयर अबाउट द चिपको मूवमेंट। अगेन, जब तक लोगों के अंदर में वो भावना नहीं आएगी तब तक फिर कुछ भी करना लगभग लगभग फिजूल की ही बातें हो जाएंगी। देयर इज अ नीड टू चेंज आवर आउटलुक टुवर्ड्स फॉरेस्ट। अ फॉरेस्ट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ पेरेनियल सोर्स एंड अ सोर्स ऑफ रिवेन्यू ओनली, बट इसको हमें देखना पड़ेगा कि यह हमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो द प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट इज नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट बट इट इज ऑल्सो द सिटीजन ऑफ द नेशन। देयर शुड बी स्पेशल ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स, डिमॉन्स्ट्रेशन, सेमिनार्स, वर्कशॉप टू डेवलप अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द सोशल रेलिवेंस ऑफ द फॉरेस्ट्री। तो ये सारा का सारा काम करना पड़ेगा, लेकिन इन सारे काम के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है वी नीड टू मेक सम पॉलिसी। जैसे क्या होता है, अगर किसी काम को आपको करना है तो आपको एक गाइडलाइन बनानी पड़ती है, और वही गाइडलाइन बेसिकली आगे जाकर के एक पॉलिसी में बदल जाती है। तो हमें एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी एंड दैट इज द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। हम लोगों ने बनाया तो बहुत है, जैसे 1952 में भी बनाया है, 1988 में भी बनाया है, इनफैक्ट वी आर कंटिन्यूअसली रिवाइजिंग इट, बट वी नीड टू मेक अपडेशन हियर अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड ऑब्जर्विंग द कंडीशन ऑफ द एनवायरमेंट। तो हमें ये देखते हुए लगातार एक नए नए अपडेट करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये रिडंडेंट हो जाएगा। अगर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में बात किया जाए तो इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वेयर फॉरेस्ट पॉलिसी इज इन ऑपरेशन सिंस 1894। और उस समय अंग्रेजों का टाइम था, उन्होंने बनाया हुआ था, हालांकि ऐसा कुछ खास था नहीं, लेकिन खैर हल्का फुल्का ये चीज था। In 1952 and 88, revisions were made in the forest policy of 1894. The national forest policy of 1952 recommended that the country should aim at a coverage of 1/3 of the total, and that is the 33%, जिसमें 60% hilly area में और 25% जो है वो plain area में रखने की बात कही गई। It has suggested the extension of tree land on river, central bank, roads, railways, cultivable waste and in such areas which are not suitable for cultivation. Clear हो गया क्या चीज़ है? Forest policy के बारे में अगर देखा जाए 1952 में actual में क्या बोला गया है, तो यहाँ पर थोड़े से points है जो आप लोग केवल और केवल read कर लीजिए क्या चीज़ है। It is basically the weaning of tribal people by persuasion to desist from shifting cultivation, implementation of forest laws more effectively, to provide adequate facility for management of forest resource, to control grazing off, again जितनी problems थी उसी को कैसे बीज बचाव करना है उसी के बारे में सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो ये आप इनफैक्ट जब प्रॉब्लम को आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो ऑब्वियसली यू कैन मेक योर ओन पॉलिसी, और इस तरीके से 1952 की भी पॉलिसीज को आप बहुत ही आराम से डेसीफर कर सकते हैं। फ्यूल वुड टू रूरल एरिया हो गया, टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ टिम्बर वुड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज हो गया, इंक्रीज द एरिया अंडर सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, रिसर्च को प्रमोट करना हो गया। तो काफी आसान है, इसमें कुछ अलग चीज नहीं है। इसके अलावा 1988 के बारे में अगर बात किया जाए तो यहां पर जो मेन फोकस था वो था प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, रीजनरेशन एंड इफॉरेस्टेशन या फिर डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। इसके मेन कुछ पॉइंट्स के बारे में बात किया जाए, जैसे मेंटेनेंस ऑफ एनवायरमेंट स्टेबिलिटी थ्रू द प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एज अ नेशनल हेरिटेज with a vast variety of flora and fauna, control of soil erosion and denudation in catchment area, check on the extension of sand dunes, फिर substantial increase in forest cover through massive afforestation. तो in fact अगर आप देखेंगे तो घूम फिर करके चीजें वही हैं, but ये थोड़ा सा elaborated manner में है, थोड़ी सी और update बताया हुआ है। तो 1952 के बाद obviously 88 में update किया ही गया होगा, observing the जो भी उस समय की कंटेम्प्ररी सिचुएशन होगी, जो भी स्टेटस होगी उसी को देख करके बेसिकली किया गया था। और यहां पर अगर आप देखेंगे
तो एक कनेक्टिविटी विद द लोकल पीपल बनाया गया. इनफैक्ट अगर आप लास्ट पॉइंट यहां पर देखिए, स्टेप्स टू क्रिएट अ मैसिव मूवमेंट ऑफ द पीपल विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन फोक टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव एंड टू मिनिमाइज प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट. इसके अलावा लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया जाए ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में. तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग पूरे के पूरे फॉरेस्ट एरिया को रिकवर भी कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं. क्लियर हो गया. लास्टली एक छोटा सा टॉपिक है वाइल्ड लाइफ को लेकर के. ऐसा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में भी ऐसा पूछा तो नहीं जाता है, बट एक फटाफट जो होता है चीजों को देख लेते हैं, फटाफट क्विकली इसको देख लेते हैं कि इंडिया हैज अ ग्रेट वैरायटी इन डायवर्सिटी इन जियो क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट. दिस डायवर्सिटी ऑफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल बर्ड एंड इंसेक्ट्स. आउट ऑफ द टोटल 15 लाख स्पीसी ऑफ एनिमल इंडिया के पास 6.7% है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और इनफैक्ट अगर मैं कहूंगा तो ये बेसिकली चार जगहों पर मिलते हैं. एक होते हैं जो हिमालयन रीजन में होते हैं, दूसरा अराकान योमा के रीजन में मिलते हैं, तीसरा वेस्टर्न घाट में मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स, चौथा मिलता है अंडमान एंड निकोबार में. तो ये बेसिकली वो चार एरियाज हैं जहां पर ये पूरी 6.7% की जो डायवर्सिटी है वो हमें देखने को मिलती है. अकॉर्डिंग टू एसएच पीटर प्रेटर, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 जू जियोग्राफिक प्रोविंसेस. कौन कौन से? हिमालयन हो गया, नदन प्लेन हो गया, थार डेजर्ट हो गया, पेनिनसुला, मालाबार एंड नीलगिरी. तो ये भी आप जो है बहुत इजिली लोकेट कर सकते हैं. अंडर द प्रेशर ऑफ ए फास्ट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड हैवी डिमांड ऑफ फूड एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल द फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया हैज श्रंक सब्सटेंशियली. मोर ओवर द डेंसिटी ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट इज वेरी लो एज कंपेयर टू द फॉरेस्ट ऑफ अदर कंट्रीज. कॉन्सिक्वेंटली नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर ऑल्सो डिजापियरिंग. भाई खाना नहीं मिलेगा तो माल्थस की थ्योरी कि जब खाना नहीं मिलेगा तो लोग मरना शुरू कर देंगे. द ग्रोइंग ट्रेड ऑफ फर्स ऑफ बिग कैट एंड टाइगर बोन्स हैज डिमिनिश्ड देयर नंबर. देयर इज इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ राइनो एंड डियर मस्क विच आर यूज्ड इन मेडिसिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंस. जो उसकी सींग होती है उससे बनाया जाता है. मोर ओवर ड्यू टू द कंटिन्यूस हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड इलीगल पोचिंग द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज डिक्रीजिंग डे बाई डे. सम ऑफ द स्पीसी आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. जैसे बहुत सारे स्पीसीज है, वल्चर जो है वो खत्म हो गई है, गौरैया जो एक बर्ड होती है वो भी जो है वो खत्म हो गई है. ऑल्दो जो है अब धीरे धीरे दिखना शुरू हुई है, बट अगेन जो होता है ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है. इनफैक्ट वल्चर के तो ब्रीडिंग ग्राउंड्स डेवलप किए गए हैं. घड़ियाल भी हो गया, वो भी जो होता है कहीं ना कहीं एक एक्सटिंक्ट पोजिशन में चल रहा है. इसके अलावा अगर बात किया जाए, इन ऑर्डर टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. इसके अलावा और भी कई सारी चीजें की गई हैं, जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, नेशनल ना और भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्क्स बनाए जाते हैं. तो ये बेसिकली क्या था, जिससे वाइल्ड लाइफ को हम कंजर्व कर सकें. इसके लिए कई सारे और भी प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, लाइक प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट हो गया, राइनो प्रोजेक्ट हो गया, स्नो लियोपार्ड प्रोजेक्ट हो गया और प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया. तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग लोगों के लिए प्रोटेक्शन भी बना करके रखे हुए हैं. लास्टली अगर डिस्कस किया जाए कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए, तो अगेन यहाँ पर क्या है, हमें कोशिश यही करनी है कि इनको एक ब्रीडिंग ग्राउंड मिले, एक सेफ पोजीशन मिले और साथ ही साथ में जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और पोचिंग है इनको हमें रोकना है. इनको अगर हम मैनेज कर ले जाएंगे तो ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ जो है वो कंजर्व हो जाएगी. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहला हंटिंग बिल्कुल रोक देना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द नेशनल पार्क सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व्स. ठीक है, इसके अलावा पोचर्स एंड हर्ट्समैन शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर द रिजर्व पार्क्स. मोर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनको बनाना पड़ेगा. जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा तेलंगाना और महाराष्ट्र को जोड़ करके एक आर्टिफिशियल ब्रिज बनाया गया है और वो ब्रिज बेसिकली जो है वो उसपे जो है पेड़ वगैरह लगा करके, घास वगैरह लगा करके ऐसा बनाया गया है कि वो पता ही ना चले कि वो एक्चुअली एक ब्रिज है. इस तरीके से नेचुरल, आर्टिफिशियल है जरूर लेकिन नेचुरल तरीका, नेचुरल बनाने की कोशिश की गई है, जिससे कि जो जानवर उनको ये ना पता चले कि वो मूव कर रहे हैं ऑन ए ब्रिज. तो अगेन ये बढ़ाने के लिए कोशिश की गई है, पूरा उनका एरिया जो है वो इंक्रीज करने की कोशिश की गई है ताकि मैन एनवायरनमेंट, मैन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम से कम हो. इसके अलावा द एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज शुड बी फर्दर डेवलप्ड बाई प्रोवाइडिंग मोर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज. कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ शुड बी इनकरेज्ड. Adequate medical facilities should be provided in the national park and sanctuary. जैसे अभी रिसेंट में क्या है, एलिफेंट को लेकर के एक
ओपन किया गया है, एक सेंचुरी, सेंचुरी तो नहीं, एक हॉस्पिटल ओपन किया गया है जहां पर छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम होती है एक्सरे वगैरह करके देख लिया जाएगा। कंड्यूसिव हैबिटेट एंड एनवायरनमेंट शुड बी क्रिएटेड फॉर लिविंग एंड ब्रीडिंग इन द नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। इसके अलावा हमें अवेयरनेस कैंपेन भी लगाने पड़ेंगे। ऑल द डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड शुड बी अंडरटेकन अप फॉर द एफॉरेस्टेशन। मार्जिनल लैंड दैट आर नॉट सुटेबल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन शुड बी ब्रॉट अंडर सोशल फॉरेस्ट्री टू इंक्रीज द इकोसिस्टम ऑफ हैबिटेट एंड फॉर हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये बेसिकली पूरी डिस्कशन थी हम लोगों की। वेजिटेशन का चैप्टर हम लोगों ने फिनिश कर दिया है पूरा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रिसोर्स के बारे में और फिर आगे हम लोग मूव कर जाएंगे इंडस्ट्रीज के डिस्कशन पे। इंडस्ट्रीज के बाद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद ट्रांसपोर्ट, फिर उसके बाद से पॉपुलेशन ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो इस तरीके से हम लोग पूरी की पूरी ज्योग्राफी पेपर टू को खत्म कर देंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो इन चैनल्स का यूज करके आप डाउट्स को पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।